कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यूं तो राम का नाम लेकर ही सत्ता में आई है। राम जन्मभूमि के मुद्दे से जहां भारत के हिंदुओं का एक बड़ा जनसमूह इस पार्टी के साथ जुड़ा, वहीं पिछले लगभग 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भगवान राम की एंट्री करवा दी है। चौंकिए नहीं, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल की, जिनको बीजेपी ने उनके होम टाउन मेरठ से टिकट दिया है। रविवार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पांचवी लिस्ट जारी की, जिसमें 111 लोकसभा सीटों का ऐलान किया गया। इस लिस्ट में जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत का नाम है, वहीं अरुण गोविल को भी उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि पार्टी ने राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद अरुण गोविल का रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की। बता दें कि सालों पहले कांग्रेस चाहती थी कि अरुण गोविल इलाहाबाद से चुनाव लड़ें, लेकिन उस समय अरुण गोविल ने राजनीति में आने से मना कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।